फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीम। देश में बढ़ती जनसंख्या एक ऐसी समस्या बन चुकी है जो भविष्य में बहुत सी कठिनाइयां आपके सामने लाकर खड़ी कर सकती है। इसलिए आगे आया सेव इंडिया जन फाउंडेशन एक मुहिम को लेकर, जहां वो लोगों को बता रहे हैं कि कितना जरूरी हो चुका है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाना। इसी के चलते 2 अक्टूबर को सेव इंडिया जन फाउंडेशन ने एक रथ यात्रा निकाली। मेरठ के बेगमपुर से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक ये रैली निकाली गई, जिसमें कम से कम 250 वाहन रवाना हुए इस नारे के साथ कि देश में जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जाएगा और इसके लिए होगी कानून की मांग। देश को गरीबी से, प्रदूषण से, यातायात की समस्या से, बीमारियों से, सड़कों पर लगे जाम से, बेरोजगारी से, सीमित होते जा रहे संसाधनों से और अस्वस्थ होते जा रहे पर्यावरण से, इसी के साथ प्रदूषित पोषण तंत्र से, बढ़ते अपराधों से, भुखमरी और अशिक्षा के कोड़ से निजात पाने के लिए जरूरी है कि देश में बढ़ती आबादी पर रोक लगाई जाए, क्योंकि यही समय है जब सभी समस्याओं की जड़, यानी कि जनसंख्या वृद्धि को रोका जाए। इसी समस्या का हल निकालने के लिए आगे आया है सेव इंडिया जन फाउंडेशन, जिनकी टीम 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर पूरे जोश के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची और देश के राष्ट्रपति से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की। इस मसले पर उन्होंने सरकार से अध्यादेश लाने की भी मांग की है। तो देखना ये होगा कि सेव इंडिया जन फाउंडेशन ने जनसंख्या नियंत्रण पर जो एक पहल की है, सरकार इस पर क्या कड़े कदम उठाती है, क्या वो कानून लेकर आएंगे ताकि देश में जो आज की समस्या, सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है जनसंख्या वृद्धि, इस पर रोक लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट बाइट टीवी।